अगर आपकी जिंदगी में भी बहुत से मसले और मसाइल हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं या आपको रिज़क की तंगी का सामना है, तो जिंदगी में एक बार रोटी और अस्तगफार का ये अमल जरूर कर देखें। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मसला हल हो जाएगा और रिज़क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है, जिसके बाद आपके घर में रिस्क, दौलत और पैसा आने लगेगा और बरकत ही बरकत हो जाएगी। रोटी और अस्तगफार का ये अमल करने में जितना आसान है उतना ही ताकतवर भी है, मुस्तनद अमल है, इसलिए जिंदगी में एक बार जरूर कर देखें। ये अमल कितना ज्यादा ताकतवर है और आपने इसको करना कैसे है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी बात मिस हो सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। आम इंसान की बात तो छोड़ें, रिज़क की तंगी नबी पैगंबरों और अल्लाह के नेक और चुने हुए बंदों के लिए भी आसान नहीं थी। यही वजह है कि हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुरबत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा, जबकि एक और जगह हजरत अली का फरमाना था कि यकीनन गुरबत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। बगदाद शहर में अल्लाह के नेक बंदे और बहुत बड़े वली रहा करते थे। बहुत से लोग इन बुजुर्ग के पास आते और अपने अपने मसलों और परेशानियों का हल पूछा करते थे। इन बुजुर्ग पर अल्लाह ताला का ये खास करम था कि ये बुजुर्ग जिसके लिए भी दुआ करते उसके हक में वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। एक बार एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ इन बुजुर्ग के पास आती है और कहने लगती है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा रिजक की तंगी और बेबरकती है, सोचा था कि मेरा बेटा जवान होगा और जवान होने के बाद मेरे घर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा तो जवान हो गया लेकिन हमारे घर के हालात नहीं बदले, क्योंकि मेरा बेटा मेहनत नहीं करता, इसलिए मैं अपने बेटे को आपके पास लाई हूँ कि आप इसके हक में दुआ करें कि मेरा बेटा मेहनत करने लगे ताकि हमारे घर के हालात बदल जाए। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बूढ़ी औरत के बेटे के हक में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे बहुत ज्यादा मेहनती बना दे। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की दुआ कबूल फरमाते हैं, जिसके बाद बूढ़ी औरत का बेटा बहुत ज्यादा मेहनती हो जाता है और रात दिन मेहनत करता रहता है, सख्त मेहनत मशक्कत करता है। कुछ महीने बाद वो औरत दोबारा बुजुर्ग के पास आती है और कहने लगती है कि आपके दुआ करने के बाद मेरा बेटा बहुत ज्यादा मेहनती तो हो गया लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में रिज्क की तंगी का खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि दौलतमंद होने के लिए मेहनत के साथ साथ अक्ल की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं दोबारा अपने बेटे को आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसके हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मेहनती के साथ साथ अक्लमंद भी बना दे। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग दोबारा बूढ़ी औरत के बेटे के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे अक्ल भी अता फरमाए। अल्लाह ताला फिर इन बुजुर्ग की दुआ को कबूल फरमाते हैं। अब बूढ़ी औरत का बेटा न सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनती था बल्कि बहुत ज्यादा अक्लमंद भी हो चुका था। कुछ महीने बाद वो औरत दोबारा बुजुर्ग के पास आती है और अर्ज करने लगती है कि अब मेरा बेटा बहुत ज्यादा मेहनती भी है और बहुत ज्यादा अक्लमंद, वो दिन रात मेहनत मशक्कत करता रहता है लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हमारे घर के हालात वैसे के वैसे हैं, ना तो हमारे घर में दौलत आना शुरू हुई, ना ही पैसा और ना ही हम दौलतमंद बन सके, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर हमारे साथ मसला क्या है। बूढ़ी औरत की ये बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता और इंसान दौलतमंद बन जाता तो मजदूर इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान होते, लेकिन मजदूर तो गरीब होते हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मुश्किल से वो दो वक्त का खाना खा पाते हैं, और अगर अक्ल की बुनियाद पर किसी को दौलत और रिस्क मिलता तो दुनिया के तमाम अक्लमंद दौलतमंद होते और दुनिया के तमाम
बेवकूफ और कम अकल लोग भूखे मर चुके होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बेवकूफ और कम अकल लोग जगीरों और खेतों के मालिक होते हैं, जबकि बहुत ज्यादा अक्लमंद लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं और उनके नौकर होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मेहनत, अकल और इलम की बुनियाद पर दुनिया में आज तक कोई दौलतमंद नहीं बना, बल्कि रिज्क देने वाली जात तो अल्लाह की ही है। वो जिसे चाहता है दौलतमंद बना देता है और जिसे चाहता है गरीब ही रखता है। बुजुर्ग का मजीद कहना था कि जिस तरह दुनिया में जब कोई मालिक अपने नौकर से नाराज हो जाता है तो उसकी तनख्वाह रोक लेता है, इसी तरह जब इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया को बनाने वाला अपने किसी बंदे से, अपने किसी इंसान से उसके हाथों की किए गए गुनाहों की वजह से नाराज हो जाता है, तो फिर उस इंसान पर रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती आ जाती है। वो इंसान लोगों का मोहताज हो जाता है। तरह तरह के मसले और मुसीबतें उस इंसान पर आने लगती हैं। ना तो उसकी कोई इबादत उस तरह से कबूल होती है, ना ही कोई वजीफा और ना ही कोई दुआ। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे पर आई रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती का खात्मा हो जाए और जितने भी तुम्हारी जिंदगी में मसले और मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाए और तुम्हारे घर में दौलत, पैसा और रिज़्क आने लगे, तो अल्लाह ताला से इस्तग़फार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में अपने ऊपर इस्तग़फार को लागू कर लेता है, यानी इस्तग़फार करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को 3 नेमतें अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, पहली कि अल्लाह उसे हर फिक्र से आजाद कर देता है। अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है कि वो हर मुश्किल, हर परेशानी से निकल जाता है। दूसरी, अल्लाह उसे हर तंगी से निकाल लेता है। तीसरी, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क अता फरमाएगा कि जहाँ से उसने सोचा भी ना होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने एक रोटी और इस्तग़फार के इस अमल को कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में बात करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे खुशी महसूस होती है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस्तग़फिरुल्लाह और एक रोटी के अमल को करने का तरीका ये है कि जैसे ही आपने सुबह उठना है, आपने अपने हाथों की उंगलियों पर 11 बार पढ़ लेना है इस्तग़फिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे इस्तग़फिरुल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे इस्तग़फिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने अपने हाथों की उंगलियों पर कम से कम 11 बार पढ़ लेना है इस्तग़फिरुल्लाह। कम से कम आपने 11 बार पढ़ना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो 100 बार पढ़ें, चाहे तो 200, या जितनी भी आपकी तफीक है, जितनी भी आपकी हिम्मत है, आप उतनी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 11 बार पढ़ लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक रोटी को सदका कर दिया करना है। एक रोटी का सदका आप जब मर्जी दे सकते हैं, चाहे तो एक रोटी का सदका आप हर जुमे रात वाले दिन दे ले, चाहे तो हर रोटी का सदका आप एक महीने बाद दे ले, या चाहे तो रोजाना भी आप एक रोटी लेकर उसे सदका कर सकते हैं, यानी किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी मोहताज को दे सकते हैं। चाहे तो एक रोटी दी जा सकती है, यानी पकी हुई रोटी, या चाहे तो एक रोटी खरीदने के लिए जितने पैसे लगते हैं, यानी एक रोटी की कीमत भी किसी गरीब को दी जा सकती है। ये आसान सा अमल है। यानी आपने क्या करना है कि सुबह उठने के बाद 11 बार इस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया करना है और एक रोटी लेकर उसे आपने सदका कर देना है, चाहे तो रोजाना कर दें, चाहे तो 7 दिन बाद कर दें, चाहे तो एक महीने बाद का ये वक्फा रख लें कि एक महीने बाद, यानी हर एक महीने आपने एक रोटी लेकर उसे सदका कर दिया करना है। ये आपकी हैसियत और तफीक पर है। अगर इस छोटे से अमल को आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानने, आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी जैसे बदलने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके, जितनी आपकी हिम्मत हो सके, उठते बैठते, वजू हो या बेवजू हो, इस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहा करें। इस्तग़फार करने से गुनाह जड़ते हैं और ये हमारे हाथों के किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज़्क़ की तंगी, मुख्तलिफ मुसीबत और परेशानियों की शक्ल में बार बार हमारे सामने आ रहे होते हैं। लेकिन इस्तग़फार
करने से यानी अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी तलब करने से हमारे गुनाह झड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर चाहे रिज़क की तंगी हो या दूसरे मसले और परेशानियाँ, वो तमाम ऐसे दूर होते हैं, हमारी ज़िंदगी से निकलते हैं जैसे हक बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये भी बहुत सवाब का काम है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।